चाहे मेरी आहें तमाम हो सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी कैसे मैं सांसें भरूं ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी सैराब कैसे शकीला, इससे पहले कि हम समधन बन जाएं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, मैं मुनीर और रमशा का रिश्ता खत्म कर रही हूँ। फिर तुम ये क्यों नहीं सोच रही है कि रेहाना ये रिश्ता करने पर राजी ही नहीं है, तो वो शिजा को कैसे अपनी बहू बनाएगी? इस तरह से तुम शिजा की जिंदगी में मजीद मुश्किलें पैदा कर रहे हो। और ये सिर्फ तुम्हारी तरबियत की वजह है। अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। झांकूंगा, जरूर झांकूंगा, लेकिन तुम्हें तलाक देने के बाद। आप चाहती है ना कि मैं शिजा का जिक्र मत करूं, उसका नाम तक ना लूं? नहीं लूंगा। आप प्लीज रुक जाइए। ले आओ। दुकान जा रहे हैं? रात भर के जागे हुए हैं, थक गए होंगे, आज दुकान ना जाएं। वो आपके बहनोई साहब आए थे। शाकिर, कब आए थे? आपके उठने से पहले कह रहा था कि शिजा से मिलना है। मैंने कह दिया कि वो यहाँ से चली गई है, पुलिस की धमकी देकर गया है। देख लिया, अब पुलिस आकर मेरा गिरेबान पकड़ेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। और जो आपकी बेटी का रिश्ता खत्म हो गया है, उसकी इज्जत की फिक्र नहीं है आपको? किस तरह के बाप है आप? मेरा दिमाग खराब मत करो, और सच्चाई पे पर्दा डालने से पहले अपने आप से पूछो, माँ बाप का भेजा लाड प्यार औलाद को कितना बिगाड़ता है? फिर हम अपनी औलाद की गलतियों पे पर्दा डालने लगते हैं या फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं, हमारी रमशा का रिश्ता किसी और वजह से टूटा है। शिजा और मुनीर एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे थे, समझे आप? करके मीडिया वालों से पीछा छुड़ा था। अब तुम कोई नई कॉन्ट्रोवर्सी शुरू करके ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाना। बस बहुत हो गया। वकील साहब कागजात लेकर आ रहे हैं तलाक के, यू विल हैव टू साइन देम।
हाशिर क्या हुआ आशिर, रुक क्यों गए? हाशिर, ये फ्रूट सैलेड मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। टेस्ट करके बताना कि कैसी बनी है। थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है। हाशिर, थोड़ी सी तो है। मैंने कहा है ना कि मुझे भूख नहीं है। देर से क्यों रिसीव किया है? फोन क्यों किया है मुझे? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। अच्छा, तो फिर क्या अपनी आवाज सुनाने के लिए फोन किया है? तुमने और खाला ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगी। क्या कर सकती हो, क्या कर लूंगी? तुम कुछ नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए फोन रखो, मैं अभी बिजी हूँ। कौन सा काम, कैसा काम? तुम ना शुरू से एक रिश्वतखोर आदमी हो, तो ये काम शाम का नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। जरा जबान संभाल के बात करो। रिश्वतखोर को रिश्वतखोर नहीं कहूंगी तो क्या पारसा कहूंगी? अच्छा हुआ जो मैंने तुमसे मंगनी तोड़ दी। तुम जैसी नखरेलू लड़की के साथ ना वैसे ही मेरा गुजारा नहीं होने वाला था। तुमसे शादी करना ही कौन चाहता था? ये तो मेरी अम्मी की मर्जी थी कि मेरा भांजा सरकारी नौकरी करता है। जाली डिग्री पे नौकरी मिली है तुम्हें, सब पता है मुझे। मंगनी टूट गई, बात खत्म। समझी, एंड द फोन मत करना मुझे।
तुम्हें और खाला को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी और उस चुड़ैल शिजा को तो मैं देख ही लूंगी। तुम्हें क्या समझती अपने आप को? शिजा के आगे तुम्हारी क्या औकात है? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी शिजा, दफा हो यहाँ से। मुझे माफ कर दो शीजा, एक बार फिर मैं तुम्हारा साथ ना दे सका। पता नहीं हमारा साथ इतना मुश्किल क्यों है। जब भी सब ठीक होने लगता है एकदम से सब बिगड़ जाता है। मैं मजबूर था शिजा, अम्मी की जिद के आगे मुझे हार मानना पड़ी। मैं हार गया शिजा, मैं हार गया। मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, सारी का मतलब सारी, और मुझे लैंडलाइन पर भी डिस्टर्ब मत करना। मुझे सिर्फ एक काम करना है, डू नॉट डिस्टर्ब मी। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। चलो लंच करते हैं। क्या बात है, सारी मीटिंग्स कैंसिल करके कौन सा ऐसा जरूरी काम करने वाले हो? आप अच्छी तरह जानती हैं। सही कहा तुमने, मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए कि आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, किसी और की नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, इसलिए कि उस लड़की के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। वो मेरी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन? ये कैसी लाइफ लाइन है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, जिसके आने से तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा गया? ये लाइफ लाइन नहीं, डेड लाइन है, डेड लाइन। और मैं तुम्हें ये डेड लाइन वो करने की इजाजत हर किस नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है, मुझे अब भी आपकी इजाजत की जरूरत है? इस बार तो जमानत मिल गई, अगली बार जमानत नहीं मिलेगी। आप मेरी जमानत की फिक्र नहीं करें, अपनी फिक्र करें। मुझे किसी की जान नहीं लेनी। तो फिर पिस्टल लेके क्यों घूमते हो? जान बचानी है किसी की। देखो फराज, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुमने अपनी रविश ना बदली तो मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे इरादे बदल देगी? जानते नहीं हो तुम, अर्श से फर्श पर आ जाओ। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। क्योंकि मैं आपका ही बेटा हूं।
हेलो हाशिर, कहाँ हो भाई तुम? क्या खुदा का शुक्र तुम तो ठीक हो? उफ, मेरा तो दिल दहल गया बेटा, बस अपना ख्याल रखना। क्यों? हाँ है, वो आदमी पागलपन की हद तक, हाँ भाई वो किसी भी हद तक जा सकता है, तुम बस अपना ख्याल रखो। नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है हमें फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक है मैं दुकान बंद करके फिर तुमसे रابطہ करता हूं। ठीक है अल्लाह हाफिज। शिजा, अरे शिजा बेटा तुम ठीक तो हो? बेटा हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहां चली गई थी तुम? चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तुम मिल गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हम तो बहुत परेशान थे, मैं हाशिर को बता दूं। है हाशिर को फोन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? बेटा शीजा मिल गई है। क्या शीजा मिल गई है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे यहाँ है मेरे पास दुकान पे, यहाँ खुद आई है। आप मुझे बताइए कि कहाँ आना है, मैं अभी निकलता हूँ। शीजा बेटी बस रो मत, रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या मुझे मामू और शीजा को अपनी मम्मी के बारे में बता देना चाहिए? शीजा को कैसे फेस करूंगा? शीजा बेटा इतने दिन कहां थी तुम, और तुम बगैर बताए चली गई घर से? कम से कम मेरा इंतजार तो किया होता, बस शकीला के कहने पे तुम घर छोड़ गई। मामी का कोई कसूर नहीं है। क्यों कसूर नहीं है उसका? सारा कसूर ही तुम्हारी मोमानी का है। मुझे मारिया ने सब कुछ बता दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होती कौन है वो तुम्हें घर से निकालने वाली? मामू वो उनका घर, उनकी मर्जी, जिसे चाहे वहां रखे और जिसे चाहे निकाल ले। बेटा वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे मामू का घर है, तुम्हारा ननिहाल है। बेटा मैं मानता हूं कि तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारा बाप तो ना होने के बराबर है। मैं ही तुम्हारी मां भी हूं, तुम्हारा बाप भी हूं। मामू आप पर सिर्फ आपकी औलाद का हक है। बेटा ये हक मुझे खुदा ने दिया है, और जिसका इनकार तुम भी नहीं कर सकती। नहीं मेरा नहीं है। ऐसा नहीं कहते। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रही, कहाँ थी तुम? मैं अपनी एक सहेली मीरा की तरफ चली गई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने मुझे देख लिया था, वरना मैं तो मायूसी गुनाह है बेटा, और जो ना करना गुनाह की सजा मैं भुगत रही हूँ उसे क्या कहते हैं मामू? देखो बेटा जो हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ, और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। दूसरों के रहमो करम पर गुजरने वाली जिंदगी अपनी कहां होती है? बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं हमेशा हाशिर के साथ। अच्छा देखो अब तुम मिल गई हो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? देखो इनकार मत करना क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मैंने भी कुछ नहीं खाया, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जरा
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप किसकी जबान बोल रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा जैसा तुम और अम्मी चाहते हैं। जाओ जाकर अगली पेशी की तैयारी करो। शिजा, क्या तुम उससे निकाह करोगे? रो रही हो? क्या बात है? मुझे लग रहा है बाबा जिससे कुछ गलत होगा। मेरी खुल के बताओ हुआ क्या? आपने आशा का बिहेवियर देखा? जब से हमारी एंगेजमेंट हुई उसने मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की। अवॉइड करता है वो मुझे पापा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसकी लाइफ में एक अनवांटेड चीज हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। मेरा वहम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप इस बात को फील क्यों नहीं कर रहे। आशिर तो मामा पहले दिन से ही खुश नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं रेहाना से बात करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। हाँ आप बात नहीं करेंगी खाला? खाला अपनी इज्जत में आके आशिर की जिंदगी बर्बाद कर रही है, पर उन्हें मेरी जिंदगी से खेलने का तो कोई हक नहीं है ना। मैं खुद बात करूंगी आशिक से, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन शेरी, खुदा का शुक्र है शिजा मिल गई, लेकिन ये मेरे साथ जाने पे राजी नहीं है। अब कहां जाओगे तुम? जहां मुझे किस्मत ले जाए। देखो शिजा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सेफ हाउस है। हाँ, कहाँ? हम अगर शिजा मान जाए तो। भाई इसमें शिजा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बताओ तो सही कहाँ? मामू, मैं दारुल अमान में रह लूंगी। बेटा, आशिर के पास जब एक महफूज जगह है तो दारुल अमान में रहना कोई मुनासिब तो नहीं है। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए मामू। ऐसा ना कहो बेटा, जब तुम फराज के पास थी ना और मुश्किल वक्त गुजार रही थी तो हाशिर हर लम्हा मेरे साथ तुम्हें तलाश करने में लगा हुआ था। जरा गौर से इसकी शक्ल देखो, इसकी आंखों में आंखें डाल के देखो तो तुम्हें पता चलेगा ये कितना फिक्रमंद था तुम्हारे वास्ते। मामू, अब हम शीजा को जल्द से जल्द यहां से ले जाना चाहिए। ये गर्मी हो रही है, इतनी देर से दरवाजा खोला है। आप क्यों आई हैं यहाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो आपका खराब हो गया है, क्यों आई हैं अब यहाँ पर आप? मतलब क्या है? ये मेरा अपना घर है, जब दिल चाहेगा आऊंगी। बच्चों का रिश्ता खत्म हुआ है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ ना। हद होती है बाजी, जब लोग रिश्ता खत्म कर देते हैं ना तो एक दूसरे की शक्लें तक नहीं देखते, और आप मुंह उठाकर चली आई। चली जाए यहाँ से। मेरा और आपका रिश्ता उसी रोज खत्म हो गया था जिस रोज आप मंगनी तोड़ कर गई थी। अरे क्या हो गया शकीला? बच्चों का रिश्ता इसलिए खत्म किया था कि वो इस जिंदगी में खुश नहीं रह सकते थे। वो रिश्ता खत्म होने से तुम्हारा मेरा रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। तुम तो ऐसे मुंह को आ रही हो जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया। वैसे बाजी, आपकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए।
कहते हैं शकीला, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो तुम लोगों में बिल्कुल नहीं है। आई क्यों यहाँ? मुनीर का रिश्ता लेकर आई हूँ शिजा के लिए। जलाल है, बुलाओ उसे। भाग गई शिजा। क्या भाग गई? किसके साथ भाग गई? मुझे क्या पता किसके साथ भाग गई, मुझे बता के भागी है क्या? शकीला, भाग गई या तुमने भगा दिया, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। अरे शकीला, यतीम के सर पे हाथ रखने से नेकियां मिलती हैं। तो जाए ना, यतीम खाने में जाके शिजा को तलाश करे ना, सर पे हाथ रख दे ना उसके। किसने रोका है आपको? यहाँ से जाए आप फौरन। हाँ हाँ जा रही हूँ, मगर याद रखना मैं दोबारा आऊंगी शिजा के रिश्ते के लिए। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। निकले यहाँ से, आई मेरी बात करने वाली। देखना एक दिन पछताओगी तुम शकीला। मर भी रही होंगी ना तो आपसे पानी नहीं मांगूंगी, समझ गई आप? निकले यहाँ से अभी। जा रही हूँ जा रही हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ। हेलो फातिमा, कैसी हो, क्या हाल है? यार इफ यू डोंट माइंड आई नीड अ फेवर। एक्चुअली मेरी एक गेस्ट है, क्या तुम उसे कुछ अरसे के लिए अपने घर रख सकती हो? आई मीन इट्स रियली इम्पोर्टेंट। या काफी क्लोज है। ओके थैंक्स। मैं बस रास्ते में हूँ, हम थोड़ी देर तक तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। ओके टेक केयर। लीजिए मामू, फ्लैट की बात तो होगी। बेटा ये आशिर, वो जो फ्लैट है वो सेफ है ना? जी मामू, फ्लैट बिल्कुल सेफ है। बल्कि मैं एक काम करूँगा कि वहाँ के चौकीदार और यूनियन से भी कह दूंगा कि हमारे अलावा अंदर किसी को ना जाने। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इट्स 100% सेफ। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? जी शिजा। अंदर तो आए। तो? अंदर। नहीं तो मुझे एग्जैक्ट एड्रेस सेंड करो। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तुम्हें ना घर आने की जरूरत है ना ही ऑफिस, मैं खुद तुमसे मिलकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। बस ठीक से नजर रखना, कुछ भी मशकूक नजर आए तो मुझे रिपोर्ट करना। ओके। शिजा, तुम दुनिया से तो छुप सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। क्यों आए आप यहाँ? आपकी हियरिंग होने वाली थी तो आपने क्या सोचा इसके बारे में? क्या सोचा? देखिए मेरी बात बहुत ठंडे दिमाग से गौर से सुनिएगा। आप अगर बिजनेस के लिए मुल्क से बाहर जाना भी चाहें तो इस केस की वजह से नहीं जा सकते, इसलिए अदालत में एक माफीनामा जमा करा देते हैं। और दूसरे, आप जितनी जल्दी तलाकनामा भेज देंगे ये मुसीबत उतनी जल्दी टल जाएगी।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप किसकी जबान बोल रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा जैसा तुम और अम्मी चाहते हैं। जाओ जाकर अगली पेशी की तैयारी करो। बेटा ये फ्लैट तो मेरे हिसाब से सेव है, लेकिन वो शिजा यहाँ सारी जिंदगी तो नहीं रहेगी ना। जी मामू। मेरा मतलब है बेटा, तुम खुद अपनी वालदा से बात कर लो या मैं खुद उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे माफी मांग लूंगा और मुझे यकीन है वो जरूर मेरी बात मान जाएगी। मामू आप कुछ बताना चाहता हूँ, असल में मेरी मंगनी हो गई है। क्या? जी। लेकिन आप फिक्र मत करें। तो तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, अब क्या हो सकता है? हाँ मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखें। बात सुनो। फिर रखो। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे रखो ना। छोड़ो छोड़ो साहब, हम यही बात गौर से सुनो। मेरे और इनके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो उसे अंदर नहीं आने देना। जी साहब, मैं समझ गया। आप बेफिक्र रहो, मैं चक्कर भी मारता रहूंगा और इंटरकॉम पे भी मालूमात करता रहूंगा। ठीक है। कहाँ घूमो? कहीं नहीं, कुछ तो सोच रही हूँ, मुझसे शेयर नहीं करोगी? देखो शीजा, मैं हाशिर की सबसे पुरानी और क्लोज फ्रेंड हूँ और तुम्हारे और उसके रिलेशन के बारे में भी जानती हूँ, तुम उसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। कहने को कुछ है ही नहीं फातिमा। ना जाने अल्लाह ताला ने सारी आजमाइश मेरे ही हिस्से में क्यों ली। तो हिम्मत जमा करते करते भी थक चुकी हूँ। शीजा, मुझे मालूम है कि लाइफ तुम्हारे लिए कभी भी इजी नहीं रही, लेकिन देखो अल्लाह ताला आजमाइश में भी उन्हीं को डालता है जो उसे सबसे ज्यादा अजीज होते हैं। और ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और तुम अपनी खुशियों में इतनी मगन हो जाओगी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। चलो अब जल्दी से कॉफी पियो और मुझे डाल, तुमने इतनी अच्छी कॉफी कभी भी नहीं पियो। अच्छी है ना? वाकई बहुत अच्छी है। इल्तिजा है मेरी जफा का कोई अंजाम।
मैं ठीक हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। हाँ बस काम की मसरूफियात ही इतनी है। चलो और तो बैठो शिजा। जी हमारे लिए कैसी हूँ? तुम्हें ये फ्लैट कैसा लगा? क्या कहूँ जब यहाँ पर रहना ही नहीं है। नाराज हो? शिजा जिंदगी इतने बड़े इम्तिहान में डाल देगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अपनी बेबसी और मजबूरी को इम्तिहान का नाम नहीं दो। ये बात सही है कि मेरे पैरों में मजबूरी की बेड़ियां रखी हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है और अधूरी भी नहीं। मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। ये कहते सुनते बहुत वक्त बीत गया आशिर। जिस इंसान ने सारी जिंदगी सिर्फ मायूसी ही देखी, वो खुशी का सोचे भी तो खौफ से कप कप ही चढ़ जाती है। शिजा, क्या तुम उससे निकाह करोगी? पसंद की शादी करना, इसका हक तो खुदा ताला ने हमें दिया। आप देखना सजाना मैंने छोड़ दिया आशा। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो। शीजा के बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मां। मुझ पे गुजरी है जो दिन का जवाज हो। जा है मेरी आहे
जिंदगी मेरी कैसे मैं सांसें भरूं ओ मेरे दिल की ये जमीन है बंजर पड़ी सैराब कैसे करूं मन्नतें मांगूं मैं